पांच दिवसीय वेबिनार कम सेमिनार वर्कशॉप में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग विगत दो दिन से इस वर्कशॉप में प्रतिभाग कर रहे हैं, कल प्रोफेसर अमिता पांडे जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र अवलोकन पर आप लोग चर्चा किए, डिस्कस किए, और उनके डिस्कशन में जो इस समय के शिक्षकों के लिए स्किल को रेखांकित किया गया, उसमें काफी कुछ सामने आया। जिस तरह से उन्होंने क्रिएटिव टीचिंग और क्रिएटिव लर्निंग स्किल, डिजिटल स्किल, लाइफ स्किल, कंसेप्ट मैपिंग स्किल, इवेल्युएशन, असेसमेंट स्किल, कोलेबरेटिव स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इत्यादि को रेखांकित करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में प्रोफेसर केएस मिश्रा सर के द्वारा क्रिएटिव थिंकिंग स्किल के तहत एक दिन का पूरा आप लोग व्याख्यान में प्रतिभाग किए। आज इसी कड़ी में हम लोगों के बीच प्रोफेसर सरोज पांडे मैम जुड़ी हुई हैं। हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैम का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप इट्स डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। आपका शिक्षण एवं शोध का 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आप UGC, NCTE, NCERT, न्यूपा की विभिन्न समितियों में सदस्य रह चुकी हैं। आपके द्वारा 8 पुस्तकों का सृजन किया जा चुका है, जिसमें लीडरशिप एंड इट्स कोरिलेट्स, पीस एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, इमर्जिंग इश्यूज, टीचर एजुकेशन इन इंडिया इत्यादि प्रमुख हैं। आपके 100 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे विदुषी को आज हम लोग अपने बीच पाकर बहुत ही गर्व का अनुभव करते हैं और इस कार्यशाला में अंतःस्थल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही निवेदन करते हैं कि हमारे प्रतिभागियों को अपने ज्ञान वर्षा से अभिसिंचित करने की कृपा करें। प्रोफेसर सरोज पांडे मैम। थैंक यू डॉक्टर रमाकांत जी, बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन मेरा देने के लिए। इतनी योग्यता नहीं है मेरी, कुछ सीखने का की इच्छा रहती है और जो कुछ भी सीखा है उसको शेयर करने की इच्छा होती है। इसी इच्छा से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत करंट इश्यू को अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का या जो डिस्कशन का अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसका एक टॉपिक बनाया है। क्योंकि आजकल जब हम चर्चा करते हैं तो हम केवल 21st century स्किल्स की ही चर्चा करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, दोनों ही लेवल पे बहुत सारे जो 21वीं शताब्दी की स्किल्स हैं वो क्या स्किल्स होनी चाहिए और उनको कैसे बच्चों में और एडल्ट्स में हम इनकलकेट कर सकते हैं, इस पे ही चर्चा हो रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम हो कि CBSE ने पिछले साल एक टीचर्स का हैंडबुक बनाया है जिसको 21st century स्किल्स पर बेस करके बनाया है। उसमें 21st century स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है और उन आइडेंटिफाइड स्किल्स को किस तरह से पढ़ाना है
उसके ऊपर टीचर्स को गाइड करने के लिए एक हैंडबुक बनाई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उसको CBSE की वेबसाइट में जा करके, अगर आप स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, ये पार्ट है CBSE की जो 21st Century स्किल्स उन्होंने बनाई है, और ये स्किल्स बेस्ड हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो एफर्ट हो रहा है, क्योंकि अब हम एजुकेशन 2030 की बातें करते हैं, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेकर के फ्यूचर में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए टीचर्स में किन प्रिपरेशंस की जरूरत है, उसको लेकर के CBSE ने ये हैंडबुक डेवलप करी है। और बेसिक जो वर्क इस एरिया में हुआ है वो एक P21 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे सबसे पहले पायनियर वर्क मैं कहूंगी, पार्टनरशिप फॉर 21st Century स्किल्स, इस पे इन लोगों ने काफी काम किया। ये बिजनेस लीडर्स और एजुकेटर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने 11 कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई की। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो OECD का है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफ स्किल्स के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया है, लेकिन OECD और P21 का जो डॉक्यूमेंट है इन्होंने एजुकेटर्स के, टीचर्स के क्या स्किल्स होनी चाहिए इसके ऊपर काफी काम किया है। आपका आप स्किल्स 21st Century स्किल्स के ऊपर बातें जब करते हैं तो आपको इस बेसिक जानकारी का सभी के होना बहुत जरूरी है। मैं इसका टाइटल पेज खोलती हूँ ताकि आपको पता चल सके ये डॉक्यूमेंट क्या है और इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, 21st Century स्किल हैंडबुक। और आप देखेंगे ये पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे प्रिपेयर किया गया डॉक्यूमेंट है। इसकी लिमिटेड कॉपीज हैं, लेकिन CBSE की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो पहली चीज तो जब आप 21st Century स्किल्स की बात करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने मेरा आपको दिख रही है ओके। तो अब हम आते हैं अपनी स्किल्स के ऊपर, और इससे पहले मैं एक बार फिर से जल्दी से इसको आपको रिकैप्चुलेट करने के लिए ताकि आपको पता चल सके कि स्किल्स किस तरह से डेवलप हुई हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको किस तरह से काम आगे करना है। डॉक्टर रमाकांत, क्या किसी ने 21st Century स्किल के बारे में कोई सेशन लिया है अभी तक? जी नहीं। तो ये तो फर्स्ट सेशन होना चाहिए था जी। उस पर पूरे समग्र में नहीं हुआ, केवल एक 2020 NAP के बारे में हुआ, दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। मैंने इसीलिए ये इंक्लूड की है क्योंकि जब तक आप टोटल पर्सपेक्टिव में नहीं जानेंगे तो आपका आधा अधूरा ज्ञान होगा और उसको हम पूरी तरह से क्लासरूम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो वेरी क्विकली आई विल टेल यू दैट अभी तक जो हम कॉम्पिटेंसीज पे जोर देते रहे हैं, हम क्या जोर देते रहे, केवल 3 R's के ऊपर हमारा एम्फसिस रहा, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। बच्चे को पढ़ना, लिखना और हिसाब लगाना आना चाहिए, लेकिन बच्चा हो चाहे एडल्ट की हम बात करें,
अगर जो भी एक इंसान है जब हम ग्रो करते हैं हमें बहुत सारी और कॉम्पिटेंसीज की जरूरत पड़ती है, और केवल हम रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक से काम नहीं चला सकते। तो जब 21st सेंचुरी की ओर हम बढ़े तो इंटरनेशनल लेवल पे ये डिस्कशन होने लगा कि केवल 3 आर्स जो है वो सफिशियंट कंडीशन नहीं है एजुकेशन को ग्लोबलाइज करने के लिए, और ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन में जिस तरह की कॉम्पिटेंस लोगों में होनी चाहिए, हमारे बच्चों में ग्लोबल सोसाइटी में रहने के लिए जिस तरह की कॉम्पिटेंस की जरूरत है वो कॉम्पिटेंस हमारे आज के बच्चों में केवल रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक से नहीं आ सकती है। तो फिर क्या कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है? 3 C's की, 3 R's तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पहला एक्सटेंशन हुआ वो 4 R के ऊपर इम्फेसिस हुआ, 4 C's के ऊपर इम्फेसिस हुआ, 3 R से 4 C। ये 4 C क्या है? बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, कोलैबोरेशन डेवलप करना और क्रिएटिविटी डेवलप करना। ये 4 C's आपने अपने इस प्रोफेशनल जो 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसीज हैं जिसमें आपने इंक्लूड किया है, लेकिन ये इसका टोटल जो कॉम्पिटेंसीज हम डेवलप करना चाहते हैं या स्किल्स बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं वो केवल 4 C's ही नहीं है। इससे जब WHO ने वर्क करना इस एरिया में शुरू किया तो उनका एम्फेसिस था कि लाइफ स्किल्स के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए या इक्वल एम्फेसिस करना चाहिए लाइफ स्किल्स के साथ साथ कैरियर स्किल्स, क्योंकि हर एक इंसान को समाज का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनना है, यूजफुल प्रोडक्टिव सिटीजनशिप विच कैन कम्पीट विद ग्लोबल सिटीजनशिप और ग्लोबल सिटीजन्स। उस तरह की स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हमें अपने बच्चों में एजुकेशन के माध्यम से डेवलप करनी है। तो हमें लाइफ स्किल्स के ऊपर और कैरियर स्किल्स के ऊपर भी बल देना होगा। ये टाइम था जब 2007-8-9 में आप देखेंगे ये लाइफ स्किल्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस था, और CBSE ने फिर से लाइफ स्किल के ऊपर जोर देना शुरू किया, और एक लाइफ स्किल्स के ऊपर फिर एक और डॉक्यूमेंट वो लाए थे। अगर आप लोग CBSE का वेबसाइट को फिर से चेक करें तो उन्होंने लाइफ स्किल के ऊपर भी काम किया है। इसके साथ साथ कैरियर, आज हम बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो स्टूडेंट, अपना कोई MSME का कॉन्सेप्ट आ गया है, छोटे लघु उद्योग करना करना चाहे अगर बच्चा तो वो कर सके, अपनी आजीविका को अपने आप संभाल सके, इसके लिए भी बहुत एम्फेसिस दिया गया। तो लाइफ एंड कैरियर स्किल्स भी बच्चों में डेवलप करनी है, और कुछ हो रहा क्या? मेरे इसमें लाइंस दिख रही हैं आपको? और उसके बाद इंफॉर्मेशन और मीडिया टेक्नोलॉजी, आप सभी लोग जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड मीडिया कम्युनिकेशन ICT के ऊपर भी इम्फोसिस 20th सेंचुरी के एंड से ही होना शुरू हो गया था, और आज की डेट में ICT तो बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। कोरोना ने इस स्किल को, इस स्किल में सबको माहिर कर दिया है। हमने अपने प्रैक्टिस के थ्रू इस स्किल में जो महारत हासिल की है या जो एफिशिएंसी हमको मिली है वो थ्रू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिली है, वो किसी के पढ़ाने से नहीं मिली है, क्योंकि अचानक ही हम सबको
ये आईसीटी को यूज करना पड़ा, फोर्स आईसीटी। तो इसके अलावा भी ये तो हमारी बेसिक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं जो 21st सेंचुरी के लर्नर में हमको डेवलप करनी है। और पेडागॉजिकल स्किल्स की जब हम बात करेंगे, पेडागॉजिकल स्किल्स विल बी बेस्ड ऑन दीज कॉम्पिटेंसीज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय वेरियस एजेंसीज। टेलोर्स ने केवल चार बातें बोले, चार पिलर्स बोले थे एजुकेशन के, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टूगेदर एंड लर्निंग टू डू। ये चार पिलर्स थे, लेकिन वो अब एक्सटेंड होते जा रहे हैं और उनके और अभी जो नया काम शुरू हो रहा है, जो रिव्यू हो रहा है डेलोर्स की रिपोर्ट का, उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट को जोड़ने की बात कर रहे हो रही है कि लर्निंग टू लिव विद द वर्ल्ड। जब हम वर्ल्ड को बिकम द वर्ल्ड, लर्निंग टू बिकम लिव विद द वर्ल्ड विच इज नॉट ओनली द लिविंग वर्ल्ड बट जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आज, जो एनवायरमेंटल इम्बेलेंस हो रहा है। तो इन सब चीजों से, क्योंकि नॉलेज हमेशा बढ़ती रहती है, इसीलिए कॉम्पिटेंसीज भी बढ़ती रहती है। ऑफ कोर्स कैरिकुलम इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट प्रोसीजर, लर्निंग का एंड क्लाइमेट जो है, ओवरऑल क्लाइमेट, और टीचर का अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम पेडागॉजिकल स्किल्स को टीचर में डेवलप करने की बातें करते हैं। ये मेरे कंप्यूटर में कहीं से लाइंस आ रही हैं, क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? जी मैम, दिख रहा है, पता नहीं ये इरेज हो सकता है। तो मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा, बाद में इरेज करूंगी। पता नहीं कहां से आ गया, ये कुछ मेरे से दब गया लगता है, हो सकता है। चलिए, ये देखिए, ये मैंने जो सेम 21st सेंचुरी स्किल्स है जो मैंने अभी पीछे बताया, ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम मैंने P21 से लिया है, उसके बेसिस पे सेम चीजें हैं। कौन सी स्किल्स हमें अब 21st सेंचुरी के बच्चों में चाहिए? लर्निंग और इनोवेशन की स्किल्स, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी आती है, जिसमें आपका इनोवेशन आता है, जिसमें रिसर्च आएगा, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करें हम दूसरे से, दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट करें, ये सारी स्किल्स जो हैं, ये लर्निंग और इनोवेशन स्किल्स में आएंगी। फिर दूसरी कैटेगरी है इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। इंफॉर्मेशन लिटरेसी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कितनी तरह की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स आ रही हैं और रोज ही उनमें डेवलपमेंट होता जा रहा है। जब तक टीचर्स को इनके बारे में खुद पता नहीं होगा, वो क्लासरूम में इसको ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। तो एक तो मीडिया लिटरेसी टीचर्स में जरूरी है, केवल मीडिया लिटरेसी नहीं, कहां से उसको वो मीडिया अवेलेबल है, कैसे उसको यूज करना है और किस तरह से, किस कंडीशन में यूज करना है, ये भी बहुत जरूरी है। फिर लाइफ एंड कैरियर स्किल्स मैंने ऑलरेडी बोला, जिसमें इसको फ्लिप्स कहा गया है, शॉर्ट फॉर्म फ्लिप्स है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। आज लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम इतने एडमेंट हैं हर चीज में, जो मैंने कहा वही सही है, दूसरा सामने वाला गलत है। अगर हम इस तरह का
परसेप्शन और इस तरह का व्यू पॉइंट ले करके चलते हैं तो हमें हमारे अंदर ना तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना तो एडेप्टिबिलिटी होगी। लीडरशिप, स्टूडेंट्स में लीडरशिप को एनकरेज करना है और टीचर्स में भी लीडरशिप की कॉम्पिटेंसीज, लीडरशिप स्किल्स को एनकरेज करना है। जब टीचर्स में खुद में लीडरशिप एबिलिटीज आ जाएंगी तभी वो उसको बच्चों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर टीचर खुद लीडर नहीं होगा तो वो लीडरशिप की क्वालिटीज या स्किल्स क्या है इसके बारे में उसको पता नहीं होगा और वो इसको बच्चों को सिखा नहीं सकता है। तो और लीडरशिप के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ या ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं उसके साथ साथ हम फ्रीडम विद अकाउंटेबिलिटी। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी अमेरिका जी ने कल बताया है तो उन्होंने शायद बताया होगा कि फंडामेंटल राइट्स के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति भी उतने ही जागरूक हों जितने हम अपने राइट्स के प्रति जागरूक हैं। ज्यादातर होता यह है कि हम अपने राइट्स के प्रति तो बहुत जागरूक हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। तो ये एजुकेशन एनईपी 2020 का ये विजन जो है उसमें ही रिफ्लेक्ट किया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, हर सिटीजन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी अवेयर हो। फिर सेल्फ डायरेक्शन, सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन, हमें सेल्फ मोटिवेटेड होकर के काम करना है और सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन, हम जानते हैं हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत मल्टीफेरियस और मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट सोसाइटी है और उसमें डिफरेंट कल्चर्स, हर कल्चर का अपना एक स्टैंड पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, हर कल्चर के अपने ट्रेडिशंस है, उनको फॉलो करते हुए भी हम कैसे एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ओर के स्किल्स अपने बच्चों में डेवलप करें, ये भी एक बहुत जरूरी स्किल है और ये है 21st सेंचुरी की स्किल्स इन नटशेल जो मैंने आपको बताई है। अब जब हम पेडागोजिकल स्किल्स, टीचर की पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो हम विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल हैव टू सी हाउ द टीचर विल ट्रांसमिट दीज स्किल्स, दीज skills in students or develop these skills among their students. अगर हमें ये skills के बारे में ही क्या develop करना है ये नहीं पता है तो कैसे develop करना है ये भी हम नहीं जान सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ कि क्या pedagogical skills हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए मुझे एक कहीं इरेजर मुझे दिख नहीं रहा, अब मैं पार्टिसिपेंट्स से थोड़ा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा और मैं आपसे जानना चाहूंगी, मान लीजिए आपको एक घर बनाना है तो क्या क्या चीजें आप सोचते हैं आपको आपके पास होनी चाहिए, जरूरत किन चीजों की है, उस घर को आप बहुत अच्छा घर बनाना चाहते हैं, उस घर को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, मुझे आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं या तो आप उस पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अपना माइक ऑन करके मुझे अपना रिस्पांस दे सकते हैं। प्लीज पार्टिसिपेंट्स कैन ट्राई।
आप में से बहुत सारे लोगों का अपना घर होगा, आपने घर बनवाया होगा। जी नमस्ते। यस 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 प्लीज एनी रिप्लाई। यस हाँ बोलिए। हाँ मैम, तो ये तो सबसे पहले हमें रुपए पैसे जो है मेन पैसे की रुपयों की जरूरत होगी। ठीक है, आपको पैसों की जरूरत उसके है। बाद एक मिनट हाँ, फिर रुपए एक मिनट मैडम लेक्चर को पहले पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई भी प्रश्न पूछिए। लेक्चर पूरा होने दीजिए पहले, मैंने बाकी लोगों को म्यूट करिए। प्रोफेसर कल्पलता, मैंने एक क्वेश्चन इनसे पूछा है जिसका आंसर मैं जानना चाहती हूँ आगे पढ़ने से पहले, तो फिर इसको आप अनम्यूट करके अपना आंसर मुझे दीजिए। हाँ ठीक। जी मैम, जैसे हम कोई घर बनाएंगे तो सबसे पहले फिर उसके बाद में हम धन के धन से ही हम कुछ मटेरियल्स ले खरीदेंगे है ना घर बनाने के लिए, जैसे ईंट है, सीमेंट है, बालू है और वर्कर्स है, इन सब के द्वारा हम घर बनाएंगे। ठीक ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, कोई और इससे इसके अलावा कुछ चीजें और जरूरत होगी? हेलो। हाँ यस प्लीज। हाँ हाँ मैडम, जिसे घर बनाने के पहले हम एक स्केच बनाएंगे, मैप बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे कि किस तरीके से मेरा घर होना चाहिए, और उसके अनुसार हम जो है प्लानिंग करेंगे कि जो है उसमें क्या क्या जो है क्या क्या जो है उसकी उसके बैकग्राउंड में न्यू से लेकर लाइक पूरी मकान में, तो पहले प्लानिंग करेंगे, वेल प्लान करेंगे, उसके आधार पे जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने आपने आपके पास पैसे हो गए, आपने प्लानिंग कर ली कि आपका घर बन जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, बहुत ब्रीफ में बताइए, मैं कुछ आपसे निकलवाना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ शायद आप बता पाए या ना बता पाए, बहुत कॉमन सी चीज है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास मैप है, आपने ईटा गारा सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, क्या आपका घर बन जाएगा? मैम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। यस, पॉजिटिव थिंकिंग तो आपने करी है जब आप घर को बनाने के लिए चले हैं। जी जी। क्या चीज ऐसी है जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नहीं होगा तो आपके पास? यस प्लीज। हाँ मैम, घर बनाने के लिए सबसे पहले हमको भी उसके उस हिसाब से प्रिपेयर होना होगा कि जितने भी मटेरियल मतलब की जरूरत पड़ेगी उसको तो हमको टाइम पे भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। एक मिनट, मटेरियल हो गया, मटेरियल से आगे चलिए, मैप भी बन गया, उसके आगे बढ़िए, कारीगर की भी आवश्यकता होगी। कारीगर भी आ गए, कारीगर बना देंगे घर। मैं बताती हूँ, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब मैम मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से पहले नींव रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट नींव है। कौन रखेगा? कौन रखेगा? लैंड ओनर्स मैम, जिसका जिसने घर बनाना चाह रहा है। मैं बताती हूँ आपको, आप लोग यही होता है जब हम क्लासरूम टीचिंग के लिए जाते हैं। मैंने इंटेंशनली आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, आपके पास घर है, आपके पास मैप है, आपके पास अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये बात करें, आपका मैप क्या है, आपका कैरिकुलम आपका मैप है, आपके पास वो मैप है जिसके अकॉर्डिंग आपको घर बनाना है। आपने कहा नींव डालनी पड़ेगी, चलिए नींव भी है, नींव को मैं कहती हूँ आपके पास स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का कैंपस है, वहां पे है ईटा गारा जो आपने बोला, वो सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको मिला हुआ है। लेकिन पर क्या आप किसी स्किल्ड मिस्त्री या आर्किटेक्ट के बिना बना सकते हैं? आप नींव अपने आप डाल सकते हैं, आप ईटा गारा खरीद के रख सकते हैं, लेकिन क्या आप उससे घर बना सकते हैं अगर आपके पास मिस्त्री ना हो? अच्छे मिस्त्री अगर नहीं है, अच्छा आर्किटेक्चर नहीं है,
जिसने अच्छा मैप नहीं बनाया है तो आपके घर का सपना जो है वो आप बना तो लेंगे, वो कुछ भी बन जाएगा, उसमें क्वालिटी नहीं होगी। और कौन है ये मिस्ट्री एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हम टीचर को कहते हैं कि वो माली है, वो मिस्ट्री है, वो स्किल्ड वो पर्सन है जो बच्चे को गढ़ता है, वो ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर रहा है। इसलिए अगर एक घर की नींव अगर आपने टेढ़ी रख दी तो आपका घर बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा अपने आप को। उसी तरह से अगर बच्चे की जो फाउंडेशन ईयर्स है या जो उसके एजुकेशन है, अगर टीचर ने उसकी नींव अच्छे से नहीं डाली तो आगे जा करके इसके रिपरकशंस है, और जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। तो कैसे ये मिस्त्री जो है, टीचर रूपी जो मिस्त्री है जो आपके घर को आपके बच्चों को बनाएगा, वो किस तरह से बनाएगा? वो अपने आप नहीं, उसके अंदर भी कुछ पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए, जो उन पेडागोजिकल स्किल्स के सहारे वो अपने बच्चों को गढ़ सकता है, जो उन बच्चों को जिनको आगे 21st सेंचुरी में, 2030 में या 2050 में जो बड़े होंगे और उनको इंटरैक्ट करना है। तो आप, मैं सोच रही थी कोई मिस्त्री के बारे में बोलेगा, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मिस्त्री का जिक्र नहीं किया, आपने पेरिफेरी को बना दिया, लेकिन जो बनाने वाला है वो कहीं सीन में नहीं है। और यही होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, पेरिफेरी में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टीचर जो बनाता है, देश का भविष्य को गढ़ता है, उस पे इम्फोसिस कम दिया जाता है, या जो दिया भी जाता है वो थोड़े समय के बाद डाइल्यूट हो जाता है। हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स रख लो, गेस्ट टीचर रख लो, उनको कम सैलरी देनी पड़ती है। तो जहां, और फिर हम कहते हैं कि हम फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम की तरह बनना चाहते हैं। अगर आपको फिनलैंड बनना है तो फिनलैंड बनने के लिए फिनलैंड जो अपने टीचर्स को करता है वो भी करना जरूरी है। ये कहने के बाद टीचर की इम्पोर्टेंस अब आपको पता चली कि टीचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशनल सिनेरियो में। और इस एम्फसिस को अगर हम देखें तो हमें टीचर को प्रिपेयर करना पड़ेगा उन कॉम्पिटेंसीज, उन स्किल्स के साथ जो 21st सेंचुरी के लर्नर में डेवलप करनी करनी जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे आपको अभी इस ट्रांसपेरेंसी में बताया कि ये सारी स्किल्स हैं जो 21st सेंचुरी के लर्नर में डेवलप करनी है, इसके लिए हमें टीचर को करना प्रिपेयर करना जरूरी है। अब पेडागोजिकल स्किल्स है क्या, पेडागोजी क्या है? पेडागोजी आपकी जो आप कहते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, कैसे आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में जाकर के किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो पेडागोजी किस तरह, वो आपकी स्किल है। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एफिशिएंट है, और कुछ टीचर्स के क्लास कोई भी स्टूडेंट अटेंड नहीं करना चाहती। तो ये जो डिफरेंस है, और दोनों ही टीचर सेम इंस्टीट्यूशन से, सेम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से पढ़ के आए हो सकते हैं, ये डिफरेंस जो दो टीचर्स में है वो उनकी पेडागोजिकल स्किल्स और पेडागोजिकल प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अब मैं पेडागोजी की बात कर रही हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग हायर लेवल के, हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि दो टर्म्स है, पेडागोजी और एंड्रोगोजी, पेडागोजी और एंड्रोगोजी, ANDRAGOGY।
पेडागोजी होती है बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक। हालांकि हम डे टू डे लैंग्वेज में जो एडल्ट्स को पढ़ाने के लिए भी हम पेडागोजी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि टेक्निकली जो बच्चा ग्रेजुएशन करने आता है वो 18 साल का हो चुका होता है और वो उसको हमें एंड्रोगोजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए। जब हम कहते हैं एंड्रोगोजी तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि चूंकि वो पर्सन एडल्ट है, जो लर्नर है वो एडल्ट है, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर लर्निंग अपने आप ओन करनी पड़ेगी, यानी वो अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। और टीचर का क्या काम है? टीचर का काम है ऐसी कंडीशंस पैदा कर दे जिससे वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, वो जो ग्रेजुएट लेवल पे आया है, वो इतना मोटिवेट हो जाए कि वो सेल्फ लर्निंग कर सके। डिस्टेंस मोड में जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो एंड्रोगोजिकल प्रिंसिपल पे फॉलो होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं अभी भी एक तो चौक एंड टॉक मेथड को अपनाते हैं और दूसरा यह है कि वो स्पून फीडिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन को बताते हैं लोग कई साल पहले अपने नोट बना लिए और उन्हीं नोट को वो जाकर के हर साल उन्हीं उन्हीं चीजों को पढ़ाते रहते हैं। और बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी इतने अकस्टम्ड हो गए हैं कि अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया और उनको सेल्फ लर्निंग के लिए बोला तो भी वो कहेंगे कि आपने तो ये क्लास में पढ़ाया नहीं। यानी लेक्चर मोड के अलावा कोई और मोड एक्सेप्ट, किसी और मोड की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। तो हमें टीचर्स के ऊपर जो टीचर्स के साथ जो पेडागोजिकल स्किल में वर्क करना है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की ओर जाना है। अभी तक मैं इसको आगे जाऊंगी। ये स्लाइड देखिए, ये नॉलेज का, जब हम कहते हैं कि हमें अपने पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को चेंज करना है और चेंज करके पेडागोजिकल स्किल्स टीचर में डेवलप करनी है, तो पहली चीज क्या है? पहली चीज हम नॉलेज का, हमारा क्या परसेप्शन है, क्या हम नॉलेज को, क्या हम नॉलेज को समझते हैं, ये समझते हैं कि नॉलेज, ज्ञान जो है, ज्ञान एक जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उससे जो सीखने वाला है उसको उसी तरह से दिया जा सकता है जैसे कि मैंने, आपने मेरी फर्स्ट स्लाइड में देखा कि उसमें कुछ मग से कलर्स डाले जा रहे हैं एक फेनल में। तो क्या हम उस ज्ञान, ऐसा है कि ऊपर से नीचे की ओर, टीचर से स्टूडेंट की ओर ट्रांसमिट किया जा रहा है या यही ज्ञान है, या फिर बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी कुछ सीखता है? हमारी जो, हम किस तरह की पेडागोजिकल स्किल टीचर में डेवलप करना की बातें करेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मोड, नॉलेज का कौन सा परसेप्शन लेकर के चल रहे हैं। क्या हम ट्रांसमिशन मोड लेकर के चल रहे हैं कि नॉलेज जो है वो इट इज गिवन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन टू द नॉलेज सीकर। बच्चे को माँ बाप ने सिखाया, बच्चे को टीचर्स ने सिखाया, बच्चे को समाज ने सिखाया, सबने सिखाया, बच्चे ने केवल सीखा, कितना सीखा ये हमें नहीं पता है। तो ये एक वन वे प्रोसेस है,
और हमारा जो एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज के कॉन्टेक्स्ट में है वो इस ट्रांसमिशन मोड को फॉलो करता है। तो बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव तो प्लीज बंद कर दीजिए उसको, जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव या बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव है और सारा अप्रोच टीचर सेंटर्ड है। टीचर जानता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, टीचर जानता है बच्चे को कैसे पढ़ाना है, टीचर जानता है बच्चे को कितना एक क्लास में देना है, टीचर ये जानता है कि बच्चे से क्या पूछना है, कैसे पूछना है और कब पूछना है। तो बच्चे का जो दिमाग है, जब मैं बच्चा कह रही हूँ तो मेरे लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट भी बच्चे ही है, तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो दे आर चिल्ड्रन, ऑल द लर्नर्स आर चिल्ड्रन और दे आर लर्नर्स। तो ये पूरा अप्रोच जो ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, लेकिन बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी सीखता है। और यहाँ पे जो पेडागोजिकल अप्रोच जो स्किल टीचर में डेवलप करने की बातें होती हैं वो है लेक्चरिंग की स्किल उसमें होनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, वो स्टिमुलस वेरिएशन वो करे। आपने 10 कोर टीचिंग स्किल्स देखे होंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वो 10 कोर टीचिंग स्किल्स टीचर में डेवलप की गई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से और टीचर ने वो क्लास में उनको यूज किया। लेकिन जब लर्निंग के पर्सपेक्टिव में चेंज आया, क्या चेंज आया कि बच्चा केवल नॉलेज केवल ट्रांसमिटेड नहीं है, नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और चूंकि और ये कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो हमारी लैंग्वेज और दूसरा हमारा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इन दोनों के वजह से हमारे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और जो उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है उसकी वजह से हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरह के होते हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ट्राइबल बच्चे जब क्लास में आते हैं तो वो खड़ी बोली या हिंदी लैंग्वेज में उनको सीखने में प्रॉब्लम होती है या स्टैंडर्ड थीम्स को पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, टीचर को क्या करना है, टीचर को ऐसी पेडागोजिकल स्किल्स अपने में डेवलप करनी है जो इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा कर सके क्लासरूम में जहां बच्चा मोटिवेट हो सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ एक्टिविटीज के लिए और अपने आप में वो लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। हमें ऐसा माहौल तैयार करना है बच्चे के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख करके। तो टीचर का रोल टीचर सेंटर्ड ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज से हट करके फैसिलिटेटर ऑफ कंडीशंस विच विल प्रमोट नॉलेज विच विल हेल्प द चाइल्ड टू लर्न। तो टीचर की जो पेडागॉजिकल स्किल्स हैं वो टोटली चेंज हो गई है लेक्चर मेथड से चेंज हो करके, अब उसमें वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स उसमें चाहिए, उसको कोलैबोरेशन की स्किल होनी चाहिए, उसमें कोऑपरेशन की स्किल होनी चाहिए, उसमें टीम वर्क की स्किल होनी चाहिए, उसमें बच्चे के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को यूटिलाइज करने की स्किल होनी चाहिए, उसको बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए क्रिटिकल पेडागोजी को एडॉप्ट करने की स्किल होनी चाहिए। क्लासरूम पे जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए
टीचर में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि वो जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, वो यहाँ पे स्टिमुलस को भी वेरिएशन कर सके देन एंड देयर ऑन द स्पॉट। तो ये पेडागोजिकल स्किल्स में जो टीचर के पेडागोजिकल स्किल्स फ्रॉम लेक्चरिंग टू मल्टीफेरियस स्किल्स वो डेवलप करने की टीचर में जरूरत है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उस लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, और इमर्जिंग जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है लर्निंग सेंटर्ड। केवल लर्नर सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए, आपने बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ा दिया, बच्चे के लैंग्वेज में उसको पढ़ा दिया, फिर भी बच्चा नहीं सीखा। आप देखिए ड्रॉप आउट रेट हाई है, बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कर ली आपने, यूनिट मेथड से पढ़ा भी दिया, लेकिन फिर भी लर्निंग नहीं हो पा रही है। इसीलिए यूजीसी ने अभी क्या एम्फोसाइज किया है, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। पहले क्या एम्फोसिस था, जब हम बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव लेकर के चलते हैं तो एम्फोसिस है ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते थे, जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव को लेकर के चले तो एम्फोसिस शिफ्ट हुआ टीचर की पेडागोजिकल स्किल्स, हाउ टू फैसिलिटेट लर्निंग। क्लासरूम ट्रांजैक्शन में डिफरेंट टाइप्स के अप्रोचेस किस तरह से अडॉप्ट करें, इसके ऊपर टीचर का एम्फोसिस ज्यादा था। लेकिन इन दोनों से भी हमने देखा कि डिजायर्ड रिजल्ट्स आउटकम्स हमको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमारा है लेकिन आउटकम नहीं है। तो अब लर्निंग सेंटर्ड ये हमें एंश्योर करना है कि केवल हम बच्चों पे ही फोकस ना करें, लेकिन बच्चा जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीख भी पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, इस पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। तो जब हम टीचर के पेडागोजिकल स्किल्स पे बात करते हैं तो टीचर को पहला तो ये देखना होगा, क्लास में पढ़ाना भी है, यूजिंग वेरियस स्किल ऑफ यूटिलाइजिंग वेरियस सोशियो कल्चरल एग्जाम्पल्स, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एंश्योरिंग दैट लर्नर आउटकम्स आर दीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड थ्रू मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा बाहर जाऊंगी, लेकिन एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लेक्चर्स में लोग मुझसे पूछते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स तो एक ही तरह से लिखे जाते हैं। आप लोगों के मन में भी ये थोड़ी शंका हुई होगी कि जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी यही लिखते हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू सो एंड सच एंड सच, एंड लर्निंग आउटकम्स में भी हम यही लिख देते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डू सच एंड सच, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। मैं केवल इतना बोलना चाहूंगी कि मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, तो मुझे स्टेशन जाना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे 5 बजे स्टेशन पहुंचना है क्योंकि मेरी ट्रेन 5:30 है, मुझे 5 बजे तक स्टेशन पहुंच जाना है। लेकिन लर्निंग आउटकम क्या होगा, लर्निंग आउटकम होगा अगर मैं 5 बजे तक स्टेशन पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई। तो ये दो चीजें हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम अपने लिए बनाते हैं और आउटकम होता है उस ऑब्जेक्टिव को हमने कितना अचीव किया, आउटकम हमें ये बताता है। और सेकंड राउंड का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है वो इन आउटकम्स के बेसिस पे होता है। तो ये है, जब हम पेडागोजिकल स्किल्स की बात करते हैं टीचर में, तो हमें
इस पर्सपेक्टिव में चलना होगा। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर करता क्या है जिससे उसको इन पेडागोजिकल स्किल्स की जरूरत होगी। टीचर क्या करता है क्लास में, आप जब जाते हैं तो आप जो थीम या टॉपिक आपको पढ़ाना है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये चाहे आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो, चाहे आपका लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच हो, चाहे आपका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो, चाहे आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो, तीनों में टीचर को कि इंट्रोडक्शन की थीम को उसने कैसे इंट्रोड्यूस किया है, ये स्किल होना हर टीचर में जरूरी है। फिर द सेकंड पार्ट ऑफ एनी क्लासरूम डिस्कोर्सेस नेगोशिएशन या डिस्कशन या मेन बॉडी ऑफ द थीम, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपने थीम को जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसको किस तरह से आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं क्लासरूम में। आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स सेम थीम को बहुत इफेक्टिवली क्लासरूम में ट्रांजैक्ट करते हैं, सारे स्टूडेंट्स उनके क्लास को अटेंड करना चाहेंगे और वो टीचर्स बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनको नॉलेज तो है लेकिन उस नॉलेज को कैसे ट्रांसमिट करना है वो उनको पता नहीं है। तो नॉलेज ही नहीं जरूरी है, टीचर के अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए कि उस नॉलेज को किस तरह से, किस मेथड के थ्रू क्लासरूम में वो ट्रांजैक्ट कर सके। लेकिन जब आप क्लासरूम में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछेंगे, स्टूडेंट इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट से आपको एक्टिविटीज भी करवानी है, तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर आप कैसे मैनेज करेंगे, टीचर के पास ये स्किल भी होनी चाहिए और ये भी पेडागोजिकल स्किल का एक कॉम्पोनेंट है। इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स का बहुत जरूरी है, उनके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन ट्रेडिशनल तरीके से हम टर्म एंड एग्जामिनेशन लेते रहे हैं, हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लेते रहे हैं, फिर हमने सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, हमने यूनिट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया है, आजकल ऑनलाइन इवैल्यूएशन की भी बातें हो रही हैं, तो टीचर की पेडागोजिकल स्किल का ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है। और एक जो एडिशनल कंपोनेंट टीचर का अभी जुड़ गया है वो है कि टीचर को कि टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये टेक्नो पेडागोजिकल कॉन्टेक्स्ट स्किल्स की जो हम बातें कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आजकल आप देखिए यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आपको ब्लेंडेड मोड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करना है, अपना करिकुलम ब्लेंडेड मोड में देना है, 40% ऑनलाइन होगा, 60% फेस टू फेस होगा। ऑनलाइन आप कैसे करेंगे, कोरोना आया हम लोगों को बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोगों को यह पता नहीं था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करें, हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पहले हमने खाली फेसबुक पे ऑनलाइन फेसबुक किया, खाली लेक्चर दिए, फिर हमने पीपीटी बनाए, पीपीटी इंट्रोड्यूस किए, आजकल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को, अभी मैं कल एक इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड कर रही थी उसमें उन्होंने लाइव इंटरेक्शन था वो, और वो हर छोटे हमें अपने आंसर्स करके इमीडिएटली ऑनलाइन देने पड़ रहे थे और फिर इंटरेक्ट करना पड़ रहा था। तो रोज रोज नए नए जो आईसीटी मोड्स हैं उनको वो इमर्ज हो रहे हैं। अब ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन का मिसयूज अभी कैसे हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, वर्चुअल स्टूडियोज की बात हो रही है, फ्लिप्ड क्लासरूम पुराना हो गया है, फ्लिप्ड क्लासरूम की भी हो रही है, ब्लॉगिंग है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, MOOCs है, OER है, और रोबोट
भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अभी अमेजोन का जो एलेक्सा है इंडिया में, एलेक्सा के थ्रू टीचिंग की बहुत सारे गांवों में या बहुत सारे रिमोट एरियाज में एलेक्सा के थ्रू बच्चों तक पहुंचा गया, जहां बच्चों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, इट इज चेंजिंग एवरी डे एंड इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। एज अ टीचर वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दोज दीज टेक्नोलॉजीज एंड यूज इट इन आवर डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये पेडागोजिकल जो टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स है, ये भी आप में होना बहुत जरूरी है और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है पेडागोजिकल स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में। हम क्लासरूम में जाते हैं, जो मैं बता रही थी कि क्लासरूम में हमने चार बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसको हम लेकर के चलते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल क्लासरूम हो, चाहे वो टीचर सेंट्रिक क्लासरूम हो या लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम। आपकी पेडागोजिकल स्किल्स इस बात पे निर्भर करती है कि हाउ यू एफिशिएंटली यू गेट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को जब तक आप उनके दिमाग बड़े फर्टाइल होते हैं और जब तक आप कुछ ऐसा उनको नहीं देंगे जो उनको पता नहीं है, अगर आप जो नॉलेज उनको ऑलरेडी मालूम है वही आप उसको उनको दे रहे हैं, तो बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेंगे। फिर क्लासरूम ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक टीचर टॉक और स्टूडेंट का इंटरेक्शन। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे कि इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन इंटरेक्शन प्रोसेस। Until and unless you interact with, you involve students in classroom interaction process, जो आपका teaching learning process है वो बहुत monotonous होगा और बच्चे शोर मचाएंगे। तो ये इसको भी जानना जरूरी है। फिर आती है method की बात, किस method को adopt करेंगे और कौन सा method किस context में work करेगा। कभी आप कोलैबोरेटिव मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, किन्हीं चीजों में, किन्हीं टॉपिक्स में हो सकता है कि प्रोजेक्ट वर्क की जरूरत हो, किसी में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत हो, इंडिपेंडेंट रिसर्च एक्टिविटी या जिसको आप रिव्यू कहते हैं, रिव्यू करने की जरूरत हो, कुछ में ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, कहीं डिबेट ऑर्गेनाइज करी जा सकती है, कहीं सिंपल क्लासरूम लेक्चर दिया जा सकता है। तो ये सारी जो पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स आप में होनी चाहिए, तभी आप एक इफेक्टिव एंड स्किलफुल टीचर हो सके। इसके लिए आप में ये भी जरूरी है कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। जैसा कि मैंने कहा, हम जब ग्रेजुएशन लेवल पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो हम पेडागोजी की बात करते हैं, लेकिन बेसिकली हम एंड्रोगोजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए हमें। एंड्रोगोजिकल प्रिंसिपल्स मींस कि बच्चों को ओनर्स ऑफ लर्निंग शुड बी ऑन स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप किस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाएंगे ताकि बच्चे उन एक्टिविटीज को खुद करके सीखे और उसमें जो है उनकी लर्निंग हो सके। और यहाँ पे आपका रोल एज अ फैसिलिटेटर होगा। तो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करने के लिए ये जरूरी है कि आपने, कल आपको यूनिट मैपिंग की बात की गई, कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की गई, इसके लिए ये जरूरी होता है कि आप एक लेसन को वेरियस कॉन्सेप्ट में तोड़ करके और उसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग, एसेंशियल कॉन्सेप्ट मैपिंग करें और उन कॉन्सेप्ट मैपिंग में हर कॉन्सेप्ट को
कैसे पढ़ाना है इस बात का ध्यान रखते हुए उसकी उसका पूरा खाका आपको तैयार करना पड़ेगा। अभी जो है टीचर का जो रोल है वो बहुत डिफरेंट हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है, क्रिएटिव हो गया है और इनोवेटिव हो गया है। जितना आप इनोवेशन, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप रिव्यू करेंगे, जितना आप इनोवेटिव एक्टिविटीज को अपने डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल टीचर होंगे, उतना ही आपकी पेडागोजिकल स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, या प्री सर्विस ट्रेनिंग से ये नहीं हो सकता है, खाली प्री सर्विस ट्रेनिंग से, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टीचिंग इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, टीचर को लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। आज की डेट में भी 40 सालों तक नौकरी करने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे नेट से खुद पढ़ पढ़ के सीखनी पड़ती हैं कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। और जब हम इन सारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं, ऊपर के पॉइंट्स को, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट का को हम ऑटोमेटिकली एंश्योर कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली जैसा कि मैंने कहा कि क्लासरूम में हम केवल बच्चों को सरफेस लर्निंग के बारे में बताते हैं, सरफेस लर्निंग में ट्रेन करते हैं। हमने पढ़ाया, बच्चे ने उसको रट लिया क्लास में और रट करके जाके एग्जाम में उसको उगल दिया। अगर किसी कारणवश आपने क्लास में नहीं पढ़ा सके, आपने स्टूडेंट्स को बोला ये टॉपिक अपने आप पढ़ लेना, और आपने एक क्लास में छोटा सा डिस्कशन ऑर्गेनाइज कराया, तो और एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया है। क्यों आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं? क्योंकि आपने उसने लेक्चर तो दिया ही नहीं था। इसलिए ये जरूरी है कि हमें अपने स्टूडेंट्स में जो लर्निंग है, लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उनको तैयार करना है, और उनको हमें जो पेडागोजिकल स्किल हमारी कैसी होनी चाहिए, वी शुड बी टीचिंग फॉर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? सरफेस लर्निंग क्या है? सरफेस लर्निंग वो है जो आपने रटा, जाकर के बोल दिया या कॉपी में लिख दिया, बात खत्म हो गई। उसके चार साल बाद एक मैं इंटरव्यू में गई थी लेक्चररशिप के, उनसे पूछा एमएड का पेपर क्या है एक कैंडिडेट से, उसने कहा मैडम 5 साल हो गए हैं मुझे तो अब एमएड के पेपर का नाम नहीं आता। तो ये जो लर्निंग है ये सरफेस लर्निंग है। ये जो लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया गया है उसपे हमने सरफेस लर्निंग को ही प्रमोट किया है। डीप लर्निंग की जब हम बातें करते हैं, वी हैव टू डेवलप द एबिलिटी of critical thinking and problem solving, we have to develop the communication skills among students, we have to collaborate, work in collaboration, हमें अपने आप खुद में टीम वर्क में काम करना है और बच्चों में उसकी आदत डालनी है। क्रिएटिविटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भी हमने बातें की है और इसको भी हमें लाइफ स्किल भी बच्चों को सिखाना है। तो इस तरह की शिक्षा के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया है या जो कुछ भी एक्टिविटी आपने जो कुछ भी पढ़ाया क्लास में, अगर बच्चे ने ये क्वेश्चन किया या आपसे ये पूछ लिया कि आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूं, तो क्या आप मुझे मेरी तरह से पढ़ा पाएंगे?
अगर आपका आंसर ये होता है यस एंड यू मेक एफर्ट थ्रू वेरियस पेडागोजिकल इनपुट्स कि मैं बच्चे को उन इस तरह से पढ़ाऊं कि वो खुद इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट लर्नर आगे चल के बढ़ सके, तो फिर आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप हुई है और आप सक्सेसफुल टीचर माने जाते हैं। अब इस तरह की पढ़ाई करने के लिए, इस तरह से बच्चे को हेल्प करने के लिए आप में क्या क्या पेडागोजिकल स्किल्स जरूरी है? पहली चीज तो ये है, जैसा कि मैंने कहा, हम शिफ्ट हो रहे हैं कि जो मुझे आता है वही मैं पढ़ाऊं, ये नहीं। जो आपको क्या आता है, आपके नॉलेज का लेवल कहाँ तक है और उसको मैं कैसे आगे ले जाऊं जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं या ले जाना चाहती हूं। ये पेडागोजिकल स्किल्स we have to develop among teachers or amongst ourselves to utilize the experiences of learners. हम मैंने बोला कि बच्चे different contexts से आते हैं, उन contexts के experiences अलग-अलग होते हैं, तो हमें एक तो learning उनके context को use करके teaching learning process को लाना होगा और दूसरा बच्चों के एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज करना होगा। जब हम इन दो चीजों को यूज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा रोल चेंज हो जाता है। टीचर का फैसिलिटेटर का रोल है कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करना जिसमें बच्चे खुद करके सीख सके, खुद मोटिवेट होकर के सीख सके। और मोटिवेट तब होंगे जब आप उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। अब जब मैं कहती हूँ कि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें तो उसका मतलब ये थोड़ी ये नहीं है कि आप उनको कहीं ले जाएंगे, एक्सकर्शन पे ले जाएंगे या कुछ आप उनसे कहेंगे कि ये काम तुम करो। आप उनको, मान लीजिए आप एक डिस्कशन का एक टॉपिक रख लेते हैं, मान लीजिए हम पेडागोजिकल स्किल पे डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसके बारे में पढ़ करके आइए, रिव्यू करिए लिटरेचर का, पढ़ के आइए, क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड आई डोंट स्टार्ट विद व्हाट आई वांट टू से बट आई स्टार्ट विद टेकिंग योर नॉलेज। आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसको फ्लिप्ड क्लासरूम जो हम बोलते हैं वो फ्लिप्ड क्लासरूम वाली एक्टिविटीज को एडॉप्ट करें जहां पे स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ करके आते हैं, अपना डिस्कशन करके, डिस्कशन के पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं और फिर उनके डाउट्स को क्लेरिफाई करते हैं। और जहां पे टीचर को ये लगता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी रह गई है, वहां पे उसके उस अंडरस्टैंड जो नॉलेज का गैप है इसको फिल करने के लिए, क्योंकि टीचर के पास नॉलेज है और बच्चों के पास नॉलेज वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो सकती है या कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो उस नॉलेज को फिल करने के लिए जो हेल्प टीचर प्रोवाइड करता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग नाम बड़ा भारी भरकम है लेकिन ये एक हेल्प है जो नॉलेजेबल पर्सन नए सीखने वाले को प्रोवाइड करता है ताकि उसकी नॉलेज का जो गैप है उसको फिल किया जा सके। तो ये स्कैफोल्डिंग आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को डिस्कशन जब हो रहा है, ये नहीं कि आप बता देंगे लेकिन आप उनके नॉलेज के गैप को आइडेंटिफाई करके उस गैप को फिल करने के लिए इस स्कैफोल्डिंग की स्किल को आपके अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है
21st सेंचुरी पेडागोजीज की जब हम बात करते हैं तो स्कैफोल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंटीग्रेशन की आजकल बहुत बातें हो रही हैं, आप पूरा एनईपी 2020 देखिए तो उसमें हर जगह मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और इंटीग्रेशन की बात की गई। इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? कंटेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, पेडागोजी का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक ही सब्जेक्ट के वेरियस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे या वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है और ये भी टीचर को की पेडागोजिकल स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको पता होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पेडागोजिकल स्किल जो आज के टीचर में बहुत जरूरी है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन की या इंक्लूजन की। और जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, बात हम इंक्लूजन की करते हैं लेकिन हमें जो इंस्ट्रक्शन देना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा उसमें डिफरेंशिएशन का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि हर बच्चे की जरूरत एक जैसी नहीं है, हमें बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रख करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस को एडॉप्ट करके बच्चों को पढ़ाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में वो कल्चर स्पेसिफिक पेडागोजी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनके कल्चरल कंपोनेंट को आपको इन्वॉल्व करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव पेडागोजी। और जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन, इनोवेशन और रिसर्च, ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिफ्लेक्टिव टीचर इज इंक्वायरिंग टीचर, रिफ्लेक्टिव टीचर इज इनोवेटिव टीचर एंड रिफ्लेक्टिव टीचर, रिफ्लेक्शन लीड्स टू एक्शन रिसर्च। तो ये रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए क्लासरूम सिचुएशन है, मैं पढ़ा रही हूँ। रिफ्लेक्शन तीन तरह से होता है। मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं देखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में, उनका अटेंशन नहीं है, वो आपस में बातें करते हैं। आई रिफ्लेक्ट कि हो सकता है मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा जिससे वो बात कर रहे हैं, या तो वो उनके सिर के ऊपर से जा रहा है या वो नीचे से जा रहा है। तो आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। तो जब मैं पढ़ाते समय रिफ्लेक्ट कर रही हूँ और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रही हूँ तो आई एम रिफ्लेक्टिंग इन एक्शन। जब मैं पढ़ाते समय कर रही हूँ तो रिफ्लेक्टिंग इन एक्शन। और उसके बाद मान लीजिए हम पढ़ा करके घर आ गए, घर आ करके मैंने उसके बारे में सोचा आज की मेरी क्लास कैसी रही और मुझे लगा कि आज कुछ बच्चे समझ नहीं पाए, तो वो आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माई एक्शन। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एक्शन के बाद होता है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन जब हम एक्शन कर रहे हैं उसी के बीच में होता है, और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन अगर मैं ये सोच देखती हूँ कि मेरे बच्चे आज क्लास में ठीक से सीख नहीं पाए, घर में मैंने उसको क्रिटिकली एनालाइज किया क्यों नहीं सीख पाए, और फिर कल मैं कौन सी स्ट्रेटजी एडॉप्ट करूंगी ताकि आज की जो कमी मेरे पेडागोजिकल स्किल में रह गई है कल मैं उसको ओवरकम कर सकूं। अगर मैं इस तरह से सोचती हूँ, रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो आई एम रिफ्लेक्टिंग फॉर एक्शन। रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन फ्यूचर के लिए होता है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन प्रेजेंट के लिए होता है, और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन पास्ट एक्शन के लिए होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मैंने ऑलरेडी बता दिया। आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो स्किल्स डेवलप करनी है
जो बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं हुई ट्वेल्थ क्लास की, और फॉर्मूला जो अपनाया गया 30-30-40 का, बच्चों को 10th, 11th और 12th में मार्क्स देने का। तो नई नई टेक्निक्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हो रहे हैं। हम कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस असेसमेंट को हम आज की डेट में भी उसके ट्रू स्पिरिट में फॉलो नहीं करते हैं। तो ये अगर हम कंटिन्यूअस असेसमेंट की बातें करते हैं, तो कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए एज अ टीचर मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे अपनी नॉलेज को किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स मुझे सीखनी है और क्लास में उसको मुझे किस तरह से फॉलो करना है, ये मेरी पेडागोजिकल स्किल को दर्शाता है। और एक चीज और है जो इस ट्रांसपेरेंसी में नहीं आई है, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप डिस्कशन, डिबेट और भी जितने भी तरह की टेक्निक्स हैं, पेडागॉजिकल अप्रोचेस हैं, उनको क्लासरूम में अपना सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज में अपना सकते हैं, ताकि इन इससे आप स्टूडेंट्स को में इम्प्रूवमेंट ला सके और उनको पढ़ा सके। सो एक कोई पेडागॉजी, मैं क्लास में गई और जो ट्रेडिशनल मेथड था टीचिंग स्किल्स, कैसे ब्लैक बोर्ड को यूज किया, कैसे लेसन इंट्रोड्यूस किया, प्रोबिंग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, ये सारे ट्रेडिशनल अप्रोच है। इस ट्रेडिशनल अप्रोच को, ट्रेडिशनल स्किल्स को फॉलो करके आज की डेट में आई कैन नॉट बिकम एन इफेक्टिव टीचर। माई पेडागोजिकल स्किल्स शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट शुड कंटिन्यूअसली इवॉल्व। रोज के रोज मुझे सीखना है, और अगर मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अगर मैं अपडेट कर सकती हूँ, तब तो मैं एफिशिएंट टीचर कहलाऊंगी। अदरवाइज आई विल बी फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशनल मेथड, क्लास में गए, पढ़ा दिया, पढ़ा करके आ गए, आधे लोग स्टूडेंट्स ने सीखा, आधे ने नहीं सीखा, घर गए, एग्जामिनेशन ले लिया और काम खत्म। तो मेरे ख्याल से 5 बजने वाला है, तो मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इसको खत्म करूंगी। ये एक किसी और सेशन के लिए मैंने बनाया हुआ था, 21st सेंचुरी की पेडागोजी की, पेडागोजीज क्या क्या है, ये मल्टीफेरियस हैं, इनको आपको एडॉप्ट करना है डिफरेंट तरह की। कोई आज की डेट में ये नहीं कह सकता कि मैं केवल एक मेथड को यूज करके या एक पेडागोजी को यूज करके मैं एफिशिएंट टीचर हो सकती हूँ। तो द ग्रेटेस्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजिकल स्किल आप में होनी चाहिए, टू कंटिन्यूअसली चेंज माय पेडागोजी एंड कंटिन्यूअसली बी ready and able to evolve my pedagogical skill through self-learning, through attending various professional development program, जो जहां से मिल सके मुझे सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तभी मैं अपनी pedagogical skills को improve कर सकती हूँ और एक effective teacher बन सकती हूँ। So I will stop here. Thank you very much for giving me opportunity. अब आपके पास अगर कोई questions है तो मैं उसको answer कर दूंगी। Over to Dr. Ramakant. जी, thank you ma'am. प्रतिभागीगण, आप के अंदर कोई प्रश्न बन रहा हो, कोई दिमाग में अगर संशय हो, तो आप अपने प्रश्न को, माइक को अनम्यूट करें और रखें।
यस हाँ जी जी बताएं कोई प्रश्न। इसका मतलब या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया, अब इसका तो उत्तर दे दीजिए। हेलो हाँ जी बताएं। हाँ मैडम नमस्ते। हाँ लेक्चर तो मैडम बहुत ही हमें लग रहा है कि सबसे नया और विशिष्ट था मैडम। थोड़ी बहुत कभी कभी जो है दुविधा रहती है, वर्तमान समय में जो आधुनिक पीढ़ी है कमोबेश जो है 4-5 साल का गैप हम लोग देखते हैं, 4-5 साल का यानी आगे है जो ट्रेडिशनल और प्रेजेंट जो जनरेशन है कम से कम 4-5 साल। इस कारण बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल जो स्थिति है वो कभी कभी अनुकूल नहीं रह पाती है, और जिससे बच्चों में अलग तरीके की जो भी जो है दुर्भावनाएं। देखिए एक ये जो स्पेशली ग्रेजुएट लेवल पे या इस समय जो बच्चे आते हैं वो ग्रोइंग एज है, और उस ग्रोइंग एज में मतलब बहुत क्योंकि हो सकता है इसी कारण हो सकता है मैडम कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शुरू से ये जो गैप है इसके कारण जो वहाँ रिसर्च शुरू से ही कराने की बात की जा रही है और कई नई तरह की इनोवेटिव जो है स्कीम रखी गई है। स्किल तो इसके लिए क्या कोई नया इनोवेटिव स्किल्ड है जिसके आधार स्ट्रेटजी है जिसके आधार पे इन्हें बैलेंस किया जा सके, क्योंकि ट्रेडिशनल है और प्रेजेंट है तो जो बीच का गैप है। देखिए क्लासरूम सिचुएशन में ये तो मैंने डिफरेंट टाइप की पेडागोजिकल स्किल्स बताई, एक्चुअल क्लासरूम में बहुत सारी चीजें मैं लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाऊंगी पढ़ा सकती हूँ। बहुत सारा कंटेंट मुझे बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी जो यूजीसी ने बोला है कि 40 और 60 का कॉम्बिनेशन रख करके आप ब्लेंडेड लर्निंग मोड रखिए, उसमें अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो बच्चे सेल्फ लर्निंग के थ्रू पढ़ सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कहाँ पे उनको जरूरत पड़ेगी कि क्लासरूम में वो आए और टीचर उनको डिस्कस करे। तो ये कोई ऐसा एक फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बोला कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जिससे बच्चा आया है उसका कल्चरल कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग है, उसका सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जो जिस कल्चर से आया हो सकता है कि आप जहाँ पे हैं वहां पे एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड पे आपको वहां के लोकल एग्जाम्पल्स को लेना पड़े। तो कोई ऐसा 100% श्योरिटी वाली कोई पेडागोजिकल स्किल नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं। देयर आर वेरियस पेडागोजिकल स्किल्स जिनकी चर्चा मैंने की, लेकिन किस कंडीशन में कौन सी स्किल ज्यादा इफेक्टिव होगी। मैंने जैसे बोला कि अभी हम लोग जो ऑनलाइन जो वेबिनार कर रहे हैं उसमें हमारा एक वन वे ट्रैफिक होता है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, जो वक्ता है वो बोलता है श्रोता सुनता है, और आपने अपना अगर ये म्यूट कर रखा है और जो आपकी इमेज में नहीं आ रही है आपका अच्छा। साउंड भी म्यूट है तो मैंने आपको सुनने के लिए म्यूट कर दिया, मतलब आपकी आवाज क्लियर है। मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये एग्जांपल हो रहा है कि बहुत सारे क्लासेस में क्या हो रहा है, बच्चे साउंड भी म्यूट कर दे रहे हैं और ये भी इमेज भी म्यूट कर दे रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये हम जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं। और अभी मैंने जैसा कि आपको बोला कि मैंने कल ही एक इंटरनेशनल इंटरेक्शन सेशन अटेंड किया था, और पीछे भी मैंने बहुत सारे यूनेस्को के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको जब मैं अटेंड करती हूँ तो वो बड़े रिवीलिंग होते हैं। उसमें ये स्कोप ये नहीं है कि मैं अपने साउंड और पिक्चर को म्यूट करके और बैठ जाऊं, अगर मैं अटेंड कर रही हूँ तो वो इस तरह से सेशन को प्लान करते हैं कि हर एक पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट उसमें आना जरूरी है, और
मान लीजिए आप अपने चैट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, वो तुरंत आप मेरे इस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है कि किस पार्टिसिपेंट ने क्या बोला है। तो उस सेशन में मतलब इंटरेक्शन की जो हम बातें करते हैं, इंटरेक्शन इन अ ट्रू सेंस, लेकिन हमारे में अभी वन वे ट्रैफिक ही रहा, इंटरेक्शन बाद में होता है। तो हमें उस तरह के मेंटल सेटअप से भी बाहर निकल करके आना है। इसीलिए बिगनिंग में मैंने आपको बोला था कि आप अनम्यूट करिए और मेरे साथ इंटरेक्ट करिए कि क्या आप सोचते हैं एक पर्टिकुलर उसके बारे में। तो हमें जो स्ट्रैटेजीज हैं, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज हैं, दे आर इवॉल्विंग एवरी डे, नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं और हम लोग तो काफी पीछे चल रहे हैं। तो बाहर की कंट्रीज हैं वो जब आगे निकल जाती हैं, काफी आगे निकल जाती हैं, तब हम उनके पीछे पीछे उसको इनोवेशन मान करके चलने लगते हैं। तो हमें ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको कोई मतलब एक फीड नहीं कर सकती, आपका अपना कॉन्टेक्स्ट क्या है। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये फ्लेक्सिबल कैरिकुलम अप्रोच अडॉप्ट किया जाए, टीचर को प्रोमिनेंस दी गई है, टीचर डिसाइड करेगा कि क्लासरूम में उसको कैसे क्या पढ़ाना है। और अगर एक चीज मैंने देखी है, अगर आप अपने लर्नर्स में इंटरेस्ट जेनरेट कर देते हैं, उनमें मोटिवेशन जेनरेट कर देते हैं, तो चाहे आप किसी भी मेथड से पढ़ाएं, चाहे आप कुछ भी करें, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं आपके क्लास को अटेंड। तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा आपको आपका शंका समाधान कर दिया। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। एनी अदर थिंग? और जी, और कोई प्रश्न? मेरे ख्याल से अब कोई प्रश्न नहीं है, आप वाइंड अप कर सकते हैं। ओके मैम, काफी सरल शब्दों में सारगर्भित व्याख्यान रखा गया। हम लोगों के साथ कुलपति मैम जुड़ी हैं, लेकिन कुछ व्यस्त हैं, देख पा रहे हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह सर से आग्रह करूंगा कि आज केस कार्यशाला में उपस्थित प्रोफेसर सरोज पांडे मैम का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर ब्रिजेश सिंह जी सर, सर्वप्रथम प्रोफेसर सरोज मैम को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, मैं तो कृषि का विद्यार्थी हूँ और आज इस पेडागोजिकल स्किल पे जो लेक्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया और द्वारा आयोजित था, तो इस यूनिवर्सिटी की यशस्वी कुलपति महोदया के सौजन्य से ये जो री स्किलिंग, टीचर के री स्किलिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके दो सेशन को मैं अटेंड किया हूँ। और माननीय महोदया ने जो है कि एक अच्छा प्रयास किया है कि जो हमारे शिक्षक गण हैं इस विश्वविद्यालय के, कैसे वो जो है एक अपने अंदर जो है री स्किलिंग करके बच्चों को बेहतर ज्ञान दे सके, इसके लिए एक बेहतर प्रयास है। और आज इस लेक्चर प्रोफेसर सरोज पांडे मैम के लेक्चर के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि कैसे हम बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें, जो सहभागिता की भावना है, कोलोबरेशन, क्रिएटिविटी, जो 4 R है उसको लेकर
लेकर के मैम ने एक अच्छा व्याख्यान दिया, और निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे शिक्षक साथी या जो शोध छात्र हैं जो प्रतिदिन जुड़ते हैं, निश्चित रूप से इससे बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। और ये आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें जो लर्निंग इनोवेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपने टीचिंग में शामिल करें, और जो अपना जो लाइफ है या जो कैरियर है उसको हम कैसे जो है कि रीस्किलिंग करें, तो इस दिशा में एक बेहतर जो है बहुत कुछ सीखने का अवसर हमको मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बीएड का तो नहीं हूँ स्टूडेंट, लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हुए भी मुझे जो है इस लेक्चर के माध्यम से प्रोफेसर सरोज मैम ने बहुत सरल ढंग से बहुत कुछ एक सीखने का अवसर दिया है, और बहुत कुछ अपने व्याख्यान में उन्होंने हम लोगों के रीस्किलिंग के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक साथी हैं इससे लाभान्वित होंगे। तो इस सेंटर ऑफ एक्सलेंस JNCU बलिया और सभी जो शिक्षक साथी हैं, सहभागी हैं, इस जो इस व्याख्यान से जुड़े हुए हैं, उन सबकी तरफ से और अपने विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति महोदया की तरफ से, हम सभी की तरफ से हम प्रोफेसर सरोज मैम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपने इस व्यस्ततम समय में से हम लोगों को कुछ समय निकाल करके कुछ आपसे सीखने का अवसर दिया। इसके लिए हम सब की तरफ से आपको कोटि सा धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद डॉक्टर विजय सिंह सर, आपने कहा कि मैं बीएड का छात्र नहीं रहा हूं, और यही आवश्यकता हो रही है कि जितने लेक्चरर्स हैं, चाहे किसी भी विषय के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, जब तक उनके पास स्किल नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट करने की बात यहीं से शुरू होती है कि हम लेक्चर हैं किसी दूसरे स्ट्रीम के हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल या और जो चीज़ें हैं सीखने से संबंधित, उसको हमें जानना चाहिए। और यही उद्देश्य है हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, कि हम सभी विषयों के शिक्षकों के अंदर उनके स्किल को कैसे हम विकसित कर पाएं, ताकि वह अपना जो कार्य है टीचिंग लर्निंग का, वह प्रभावी तरीके से संपन्न कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज कुलपति महोदय की मौन स्वीकृति से आज के इस कार्यशाला की समापन की घोषणा करते हैं। एक मिनट सुनो। एक मिनट। हाँ जी मैं। मैं मेरी जी, जी। दोस्त है, बोल के जाएगी, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी उसके लिए। ये कैसी मौन स्वीकृति मांगी तुमने? बहुत अच्छा लेक्चर है। मैं देख रही थी, सुनना कम था क्योंकि स्लाइड्स देख रही थी, बहुत सुंदर स्लाइड्स बने हैं, और जो दे रही थी लेक्चर वो कहाँ गई? वो तो दिखने नहीं चली गई क्या? है कि नहीं जुड़ी हुई अभी? हाँ मैं देख पा रही हूँ। हाँ, ये कहना चाहती हूँ कि लेक्चर के साथ साथ तुम्हारे ग्लो बहुत कर रहे हो आज, क्या बात है। ये बहुत ही जेट लैग से कोरोना इफेक्ट है, पॉजिटिव कोरोना इफेक्ट है, घर में रह रहा कर एकदम साफ सुथरा स्किन हो गया है, और जैसा स्किन है वैसा ही लेक्चर था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लेक्चर, और सब सारे जो पहलुओं हैं सब पर तुमने विचार किया, और जो इस तरह से इसका मतलब लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई बड़ी जोर शोर से चल रही है, और मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है कि इतनी शांति से पढ़ पा रही हो तुम। तो ये बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था आज का, और सारी बातें उसमें आई है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग था। मुझे लगता है इन लोग को बहुत लाभ भी हुआ होगा आज जो क्वेश्चन पूछा है लोगों ने, निश्चित रूप से। और फिर बुलाएंगे तो फिर पुनरागमन आए चल, ये भी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बाय, धन्यवाद। ओके ओके, मैं आई एम लीविंग।